यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो पिछले दो सालों से वर्कशॉप में धूल फांक रही JNURM की बसें अब जल्द ही सड़कों पर उतर सकती है। दरअसल प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में मामले से जुड़ी अपील की थी, जिस पर 14 जून को सुनवाई होनी है और खुद परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने इस बात की उम्मीद जताई है कि हाईकोर्ट बसों को हरी झंडी दिखा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो JNURM की 325 बसें सड़क पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने JNURM की बसों को निर्धारित मापदंडों पर खरा न उतर पाने की वजह से उन पर रोक लगा दी थी। उन बसों को हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये बसें हैं गैर कानूनी तरीके से जो निर्धारित जो क्लस्टर थे उन पर नहीं चल रही थी, इसलिए उन्होंने रोक लगा दी थी, और जिसके कारण से 325 बसें हिमाचल में JNURM की खड़ी हैं। अब हमने हाईकोर्ट को निवेदन किया है और हाईकोर्ट को हमने एप्लीकेशन दी है। अभी 14 तारीख को उसकी तारीख लगी है, तो लगता है कि हाईकोर्ट उस दिन अनुमति मिलेगी और ये 325 बसें सड़कों पर आएंगी।